नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सहकारी समिति समनापुर प्रभारी संतोष हनुमत के कार्यकाल में हुआ भारी भ्रष्टाचार। सिवनी जिला अंतर्गत भोमा समीप सेवा सहकारी समिति समनापुर में प्रभारी रहते संतोष हनुमत के द्वारा धान खरीदी प्रभारी रहते हुए भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया। समिति में प्रभारी रहते हुए संतोष हनुमत द्वारा प्रशासन से आई हुई मोटी रकम, जिसमे रख रखाव एवं देख रेख त्रिपाल वगैरह के लिए जो राशि प्रशासन से स्वीकृत होकर आती है, उस राशि का भी भारी मात्रा में दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ अतिवृष्टि में खराब हुए अनाज को भी संतोष हनुमत द्वारा बड़ी चालाकी से प्रशासन को भेज दिया गया। पहले भी किसानों द्वारा कई आरोप खरीदी प्रभारी संतोष हनुमत के ऊपर लगाए गए थे। इन्हीं सभी विषयों को लेकर एवं खरीदी प्रभारी रहते हुए संतोष हनुमत के कार्यकाल की निष्पक्ष जांच हेतु जिला कलेक्टर महोदय को लिखित आवेदन एवं CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। अब देखना यह है कि जिला खाद्यान्न विभाग विवादों में घिरी समनापुर खरीदी प्रभारी संतोष हनुमत के कार्यकाल की जाँच कब करेगी। संतोष हनुमत, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी विदित कुछ दिन पूर्व जो समनापुर खरीदी केंद्र में धान की खरीदी किसानों से की गई थी, तो आप किस पद में संबोधित थे वहाँ केंद्र में? मैं जोर से बोल प्रभारी था जी। कैसे आप खरीदी प्रभारी थे? तो जैसा कि मानसून के पहले जो आपदा आई थी पूरे ज़िले में, जिससे किसानों की काफ़ी धान खराब हो गई थी, तो आपके द्वारा क्या इंतजाम किए गए थे वहाँ खरीदी केंद्र में? मेरे यहाँ पे टोटल स्टेक लगे हुए थे, जिन किसानों का माल यहाँ ग्राउंड में गिरा हुआ था उन लोगों ने पूरी परापक पढ़नी भट्टी पाल से उनको कवर किया हुआ था। नहीं नहीं, जैसा कि और भी पत्रकार भाई लोग वहाँ गए थे, यहाँ तक कि हम भी गए हुए थे, तो हमने भी देखा था कि वहाँ काफ़ी खराब मात्रा में अनाज पड़ा हुआ था, जो पाल में भी किसी तरह से ढका हुआ नहीं था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रशासन का नेतृत्व आप कर रहे थे, किसानों से आपने कितना टन अनाज खरीदा और कितना प्रशासन को दिया है आपने? जितनी खरीदी उतना पूरा कितना हुआ है? क्योंकि आप पर प्रत्यारोप लगे हैं कि भाई आपने, यदि मान लो किसानों से जो धान आपने खरीदी है और जो प्रशासन को बेचा, यदि उसकी जांच की जाएगी तो आप पर रिकवरी निकल सकती है। 50% माल क्योंकि अगर उसमें आपका दिया हुआ खराब हो चुका है। हमारा दिया हुआ खराब तो माल हमने पहुंचाया नहीं, क्योंकि हमारा माल जितना सुरक्षित रखा हुआ था जी और जितना स्टेक लगा हुआ था उतना माल हमने पहुंचा दिया है, साफ सुथरा माल। कितना माल खरीदे हैं आपने? हमने 72,896 क्विंटल। कितने खरीदी केंद्र आपके अंडर में थे? एक ही है, समनापुर। चलिए ठीक है, तो आगे क्या है, पत्रकार बंधु इस चीज़ की जांच करवाएंगे और हम आज आपके जो संबंधित विभाग है उसमें भी आवेदन देंगे और आपके जो खरीदी केंद्र में जो क्रय विक्रय हुआ है अनाज का उसकी जांच करवाएंगे, जिसके लिए आप सहमति प्रदान करेंगे ना हमें? कितना कितना माल आपने खरीदा था फिर से बताइए आप किसानों से? 72,000 कुछ कुंटल। कुछ कुंटल कितना कुंटल खराब कितना हुआ? खराब नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना इनका खराब, इनका स्टाफ का कहना है ना कोई माल खराब आना नहीं। देखो जितना माल खराब हुआ था उन लोगों का खराब हुआ किसानों का, उन्होंने उठा करके ले जा दी, हमने जो हमको जितना तौल करके दी साफ सुथरा माल, उतना का स्टेक लगाए हुए थे हमने उनको पन्नी कवर की। किसानों से आपने 72,000 क्विंटल माल खरीदा है, प्रशासन को कितना दिया है आपने? पूरा सही अनाज दिया। सर्वे कहता है कि आपका 50% अनाज खराब, 50% मतलब किसानों का पैसे ही नहीं आता जब माल डिपॉजिट नहीं होगा। नहीं, वो तो आप कलम किए हो वहाँ पर, आपकी कलम चल जाए। चलो वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, ठीक है ना। आपसे गुजारिश इतना है हमारा कि आपने जितना माल किसानों से खरीदा है और जितना प्रसाद। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो चीफ साहिल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।